नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए दो गुड न्यूज लेकर के आया हूँ। एक यह है कि ओपन स्कूल 10वीं 12वीं की परीक्षा अब साल में 3 बार आयोजित होगी। इसके लिए कब कब फॉर्म डलेगा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ 10वीं 12वीं की जो अभी वर्तमान में परीक्षा दिए हैं उनकी अवसर परीक्षा का फॉर्म कब से कब तक किस तारीख से डलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो के साथ मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं ओपन स्कूल की परीक्षाएं पर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं वर्ष में 3 बार आयोजित होगी। देखिए क्या है इस न्यूज़ में, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की मुख्य अवसर परीक्षाएं वर्ष में 3 बार आयोजित होगी। प्रथम परीक्षा माह अप्रैल में, द्वितीय परीक्षा माह अगस्त में और तृतीय परीक्षा माह नवंबर में आयोजित होगी। वर्ष 2024 प्रथम परीक्षा माह अप्रैल की भांति द्वितीय परीक्षा एवं तृतीय परीक्षा में सामान्य क्रेडिट RTD एवं अवसर के परीक्षार्थी निम्नानुसार सम्मिलित हो सकेंगे। इस प्रकार से देखिए समय सारणी, द्वितीय परीक्षा अगस्त 2024 में आयोजित होने वाली है। तो द्वितीय परीक्षा कब होगी? अगस्त में होगी। इसके लिए सामान्य शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून 2024 तक रहेगा और 1 जुलाई से 5 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो देखिए 30 जून तक इसके लिए फॉर्म डलेगा और आप फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 30 जून इसके लिए लास्ट डेट होगा और विलंब शुल्क के साथ 5 जुलाई तक आप फॉर्म डाल सकेंगे। उसके बाद देखिए तृतीय परीक्षा नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली है। तृतीय परीक्षा हेतु सामान्य शुल्क के साथ 1 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 तक, और इसका जो द्वितीय परीक्षा के लिए प्रारंभ हो चुका है और तृतीय परीक्षा जब होगी उसके लिए देखिए 1 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगी और 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल। साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए, यदि आपको फॉर्म फिलअप करवाना है तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर के माध्यम से आप जो है फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। फ़ोनपे के माध्यम से आप शुल्क का पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए 10वीं 12वीं की परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 18 जून से प्रारंभ होगी। तो 10वीं 12वीं में जो अभी 10वीं 12वीं 10वीं में आ रहे हैं या 12वीं में आ रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन 18 जून से प्रारंभ होगी। 10वीं 12वीं CG बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 जून से शुरू होगी। नियमित छात्र 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह स्वाध्यायी व अवसर परीक्षा के लिए यह प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। तो जो अवसर परीक्षा होगी, वर्ष अवसर परीक्षा किनको मिलता है, जो वर्तमान में 10वीं और 12वीं में थे और वे फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री आ गए हैं, उनके लिए अवसर परीक्षा का फॉर्म डलेगा। ठीक है, तो उसमें उसके लिए फॉर्म जो है 1 जुलाई से शुरू होगी। इसके तहत सामान्य शुल्क के साथ 30 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1 जुलाई से प्रारंभ होगी अवसर परीक्षा और कब तक भरे जाएंगे, 30 जुलाई तक भरे जाएंगे, उसके बाद फिर एग्जाम आयोजित की जाएगी। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ 1 अगस्त से 15 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, वही विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 अगस्त से 30 अगस्त तक आवेदन किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर जारी की गई है, जिसे आप वहाँ से भी और जानकारी देख सकते हैं। वही दूसरी ओर वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा के नतीजे मई में जारी हुई। 10वीं 12वीं में करीब 1 लाख से अधिक छात्र पूरा फेल हुए हैं, इनके लिए कब परीक्षा होगी, कब से आवेदन भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो फेल हुए हैं उनके लिए जो बात की जाए तो 1 जुलाई से प्रारंभ होगी और जो 1 जुलाई से अवसर परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है, वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने स्कूल से जहां से आप स्टडी किए हैं वहां भी और कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। इसी प्रकार के नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।